तो गाइज ओप्पो रेनो 6 5G डिवाइस में एंड्रॉयड 12 विथ कलर OS 12 का ऑफिशियल वर्जन अपडेट मिलना स्टार्ट तो हो गया है। तो गाइज इस अपडेट में आप लोगों को क्या कुछ नए फीचर्स देखने के लिए मिल जाता है इसके बारे में हम बात करेंगे। एंड गाइज इसी के साथ में हम बात करने वाले हैं कि गाइज इस अपडेट में आप लोगों को कोई भी बग या फिर इशू देखने के लिए मिलता है या फिर नहीं मिलता है। गाइज एक यूजर से जो कि नीचे कॉमेंट सेक्शन में बता रहा था कि जब वो अपने ओप्पो रेनो 6 5G डिवाइस को एंड्रॉयड 12 विथ कलर OS 12 के ऑफिशियल वर्जन में अपडेट किए तो गाइस उनके डिवाइस का जो बैटरी ड्रेन का इशू है वो बढ़ गया है। तो गाइस इस बग को आप कैसे फिक्स कर सकते हैं इसके बारे में भी हम बात करने वाले हैं। एंड गाइस जिन यूजर्स को अभी तक ये अपडेट देखने के लिए नहीं मिला है ओप्पो रेनो 6 5G डिवाइस के यूजर्स को, तो गाइस उन्हें कब तक देखने के लिए मिलेगा इसके बारे में भी हम बात करने वाले हैं। तो गाइस अगर आप भी हैं ओप्पो रेनो 6 5G डिवाइस के यूजर्स तो गाइस आप वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर वॉच करना बिकॉज मे बी आप लोगों के लिए यह वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो गाइस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को जरूर प्रेस कर देना। तो चलिए गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस ओप्पो रेनो 6 5G डिवाइस में एंड्रॉयड 12 विद कलर OS 12 का ऑफिशियल वर्जन मिलना स्टार्ट हो गया है। अगर बात करें गाइस इस अपडेट के फाइल साइज के बारे में तो गाइस ये अपडेट जो बीटा यूजर्स को देखने के लिए मिला है उनको गाइस फाइल साइज 536 MB देखने के लिए मिला है। जी हां गाइस यहां पे फाइल साइज आप लोगों को मीडियम में देखने के लिए मिल जाता है बीटा यूजर्स को। अगर बात करें गाइस इस अपडेट के फीचर्स के बारे में तो गाइस आप लोगों को एंड्रॉयड 12 विद कलर OS 12 के सारे फीचर्स देखने के लिए मिल जाते हैं। तो गाइस अब बात करते हैं कि ओप्पो रेनो 6 5G डिवाइस में जो एंड्रॉयड 12 विद कलर OS 12 का ऑफिशियल वर्जन अपडेट मिलना स्टार्ट हुआ है तो गाइस इस अपडेट में आप लोगों को कोई भी बग या फिर इशू देखने के लिए मिलता है या फिर नहीं मिलता है। गाइस आप लोगों को यहां पे मालूम होगा कि जब बीटा अपडेट जो देखने के लिए मिलता है वो गाइस टेस्टिंग पर्पस के लिए ही देखने के लिए मिलता है। उसके बाद गाइस जो यूजर से अपने डिवाइस को बीटा अपडेट में अपडेट कर लेते हैं उसके बाद गाइस उस अपडेट के बारे में फीडबैक देते हैं तो गाइस जो उस अपडेट में बग रहता है उन्हें यहां पे फिक्स करने के बाद ऑफिशियल वर्जन अपडेट देखने के लिए मिलता है। तो गाइस इस अपडेट में आप लोगों को बग एंड इशू देखने के लिए नहीं मिल रहा है लेकिन गाइस एक यूजर्स कमेंट सेक्शन में बता रहे थे कि गाइस वो अपने डिवाइस को एंड्रॉयड 12 विद कलर OS 12 के ऑफिशियल वर्जन में अपडेट किए तो गाइस उन्हें बैटरी ड्रेन का इशू देखने के लिए मिल रहा है। तो गाइस आपको बता दें कि एंड्रॉयड 12 विद कलर OS 12 का जो ऑफिशियल वर्जन अपडेट देखने के लिए मिला है गाइस इस अपडेट में बहुत सारे न्यू फीचर्स इंक्लूड हुए हैं तो गाइस इसी वजह से आपके डिवाइस का जो बैटरी है वो ज्यादा खर्च हो रहा है। लेकिन गाइस अगर बैटरी ड्रेन का इशू देखने के लिए मिल रहा है तो गाइस आप लोगों को टेंशन लेने वाली कोई भी बात नहीं है। गाइस आप लोगों को नेक्स्ट अपडेट देखने के लिए मिलेगा तो गाइस उस अपडेट में ये भी इशू को फिक्स कर दिया जाएगा। तो गाइस अब बात करते हैं कि जिन ओप्पो रेनो 6 5G डिवाइस के यूजर्स को एंड्रॉयड 12 विद कलर OS 12 का ऑफिशियल वर्जन अपडेट देखने के लिए नहीं मिला है तो गाइस उन्हें कब तक देखने के लिए मिलेगा। तो गाइस अपडेट रोल आउट होना स्टार्ट हो गया है एंड गाइस आप लोगों को मालूम होगा कि अपडेट कई सारे बैचेस में देखने के लिए मिलता है उसमें से भी अपडेट गाइस अप्रोक्स 1 आवर के लिए ही देखने के लिए मिलता है। तो गाइस इसी वजह से आप थोड़ा सा अलर्ट रहना, सेटिंग एंड सॉफ्टवेयर अपडेट पे क्लिक करके अपडेट को जरूर चेक करते रहना। तो गाइस अगर बात करें कि सभी यूजर्स को ये अपडेट कब तक देखने के लिए मिल जाएगा अप्रोक्स में, तो गाइस लगभग आप लोगों को 20 डेज के अंदर अंदर सभी यूजर्स को ये अपडेट देखने के लिए मिल जाएगा। तो गाइस अगर आप भी हैं ओप्पो रेनो 6 5G डिवाइस के यूजर्स तो गाइस आप अपने डिवाइस में अपडेट को जरूर चेक करते रहना। तो खैर गाइस ओप्पो रेनो 6 5G डिवाइस में फ्यूचर में जब भी कोई न्यू सॉफ्टवेयर अपडेट देखने के लिए मिलेगा तो गाइस आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूंगा इसी चैनल पे न्यू वीडियो के जरिए। सो गाइस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को जरूर प्रेस कर देना। तो गाइस फिलहाल में अभी के लिए इतना ही, आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और हाँ इस वीडियो के बारे में आपका क्या ओपिनियन है नीचे कॉमेंट सेक्शन में ना जरूर बताना। तो गाइस फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।